चंदौली। विशेष ट्रेन से ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर जा रहे बीएसएफ के 9 जवान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। खबर चंदौली जनपद के मुगलसराय स्टेशन से है, जहां चंदौली जिले के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जीआरपी मुगलसराय में बीएसएफ के 9 जवानों के लापता होने का मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि विशेष ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा रहे बीएसएफ के 9 जवान रास्ते में लापता हो गए। जानकारी के अनुसार ये सारे फौजी बंगाल से ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। एक जवान बर्धमान एवं 8 धनवाद में लापता हुए। इस सूचना से की भनक लगी तो अफसरों में अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल प्लाटून कमांडरों ने मुगलसराय जीआरपी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। जीआरपी के उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि बीएसएफ की टुकड़ी के गायब जवानों की प्राथमिकी प्लाटून कमांडरों ने संयुक्त रूप से दे दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर ड्यूटी पर जा रहे थे। ट्रेन बर्धमान जंक्शन से खुली तो बटालियन का एक जवान प्रदीप कुमार सिंह नदारद मिला। ट्रेन अगले कर्तव्य धनवाद जंक्शन से खुली तो फौजी कैलाश कुमार, दीपक कुमार, दीपक सिंह, अमित कुमार, चौहान सिंह, अश्विनी कुमार, रोहित वर्मा व गोविंद टोली में नज़र नहीं आए। बुधवार को ट्रेन मुगलसराय पहुंची तो प्लाटून कमांडर शिव सिंह व सुखबीर सिंह जीआरपी थाने में जा धमके और वहां मौजूद इंस्पेक्टर को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए घटना की तहरीर दी। रिपोर्ट विनय तिवारी, जनपद चंदौली से। सर, बीएसएफ के जवान जो मिसिंग हुए हैं, वो क्या है पूरा मामला और आगे क्या कार्रवाई हो रही है? 83 BN बीएसएफ के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, जिसमें से 10 जवान बिहार के और झारखंड के बर्धमान और धनबाद में बिना अवकाश के कहीं मिसिंग चले गए, जिनके अधिकारी द्वारा हमारे थाने पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई है, जो पंजीकृत की गई है।